हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद मस, दिस इज अर्पिता मित्तल। ये वीडियो है प्रोनंसिएशन सीरीज पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड, आप लोगों ने देखे भी होंगे। अब पार्ट 4 लेकर आई हूँ मैं, और इसमें है हमारे कुछ 40 ऐसे 40 प्लस वर्ड्स जो कि कॉमनली मतलब हम मिस प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं तब भी हम उन्हें रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं, मिस प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्वीट, सोड, रेस्टोरेंट, ईडियम, लोग कूपन बोलते हैं। बहुत ही गलत वर्ड की बहुत ही गलत प्रोनंसिएशन है, सही प्रोनंसिएशन है क्यूपॉन। निगोशिएट को नेगोशिएट बोलते हैं। ऐसे छोटी छोटी लाइट लाइट साउंड की जो प्रोनंसिएशन मिस्टेक्स होती है उसको दूर करने के लिए हम ये सीरीज बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते हैं कि वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर ली तो हो गया काम, बट ऐसा नहीं होता। आप कोई हाई फाई वर्ड यूज कर रहे हो और आपको उसको सही से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो कोई फायदा नहीं उस वर्ड को सीखने का, क्योंकि सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स ड्रॉ द क्लिप। सबसे पहला वर्ड है हमारा आवर। उसको हावर एच तो आएगा ही नहीं, एच प्लीज एच की साउंड बिल्कुल भी यूज मत कीजिए इसमें। इसकी आर में आर मैंने छोटा सा इसलिए लिखा है क्योंकि आर की साउंड बहुत ही लाइट है, बहुत ही कम है। आवर आवर वेजिटेबल, अब यहाँ पर वेजिटेबल नहीं बोलना है, वेजी कुछ नहीं होता, वेजीज अलग है, इट्स वेजिटेबल। वेजिटेबल मिस्चिवस, मिस्चीवियस नहीं बोलना है, इट्स मिस्चिवस। Mischievous. Mischievous मतलब शरारती। Intestine. Intestine means आते, जो हमारी small intestine होती है, large intestine होती है, तो intestine नहीं बोलना है, it's intestine. Bowel. Intestine को ही bowel बोलते हैं, bowel. Bowel नहीं बोलना है, it's bowel. रीथ, रीथ मतलब जो डेकोरेशन के लिए फूल वाला टाइप होती है ना, या फिर जैसे किसी की हम ग्रेव पर जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे उसको दफनाया गया है वहां पर जा रहे हैं, तो एक गार्लैंड लेकर जाते हैं एक माला सी फूल की, उसको बोलते हैं रीथ। और इसको रेथ नहीं बोलना, इट्स रीथ। काकस, काकस मतलब डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल की डेड बॉडी। कॉप्स, ये भी डेड बॉडी है लेकिन किसकी है, ह्यूमन बींग रादर देन एन एनिमल, तो ह्यूमन बींग्स की जो डेड बॉडीज होती है उनको बोलते हैं कॉप्स। इसमें आर साइलेंट है, ध्यान रखना, कॉप्स नहीं है, इट्स कॉप्स। क्यूकम्बर, खीरा को कुछ लोग कुकुम्बर बोलते हैं, बहुत ही गलत प्रोनंसिएशन है, इट्स क्यूकम्बर। इडियोमेटिक, इडियोमेटिक idiomatic नहीं बोलना, it's idiomatic। ऐसे expressions जो कि native speaker के लिए बहुत ही normal होते हैं, हमारे लिए नहीं होते क्योंकि हम English सीख रहे हैं, पर उनके लिए जो phrases हैं, clauses हैं, वो उनके लिए बहुत ही native होते हैं, बट normal होते हैं, common होते हैं। parole मतलब होता है किसी prisoner की टेम्पररी या फिर परमानेंट रिलीज, उसको मतलब थोड़े टाइम के लिए जेल से रिहा कर देना या फिर परमानेंटली रिहा कर देना उसकी जो सजा उससे पहले, जस्ट बिकॉज उसका जो बिहेवियर था बहुत ही अच्छा था उस वजह से। बर्गलरी मतलब किसी भी बिल्डिंग में आप इलीगली एंट्री लें, मतलब आपको अलाउड नहीं है बट आप इलीगली उसमें एंटर कर रहे हैं विद इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। ज्यादातर ये चोरी के लिए यूज होता है कि कोई भी क्राइम करने के लिए आप किसी बिल्डिंग में इलीगली एंट्री ले रहे हैं, खास करके लिए चोरी के लिए। निगोशिएट समझौता करना। पुलिस, पुलिस प्लीज जैसे साउंड हो रहा है, पुलिस पुलिस नहीं बोलना है, इट्स पुलिस। कॉप्स। Zoology, zoology, zoology नहीं बोलना, it's zoology। Video,
अब यहाँ पे आई का यूज किया है, आई में ना हल्की सी साउंड होती है, ई में बहुत ज्यादा लंबी साउंड आती है, तो वीडियो ना कि वीडियो, वीडियो नहीं बोलना, इट्स वीडियो। लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर जी बहुत स्मॉल करा है मैंने साइज, क्योंकि जी की साउंड बहुत ही लाइट है। इंटरेस्टिंग। होटल, होटल, होटल। स्वीट, जो रूम्स होते हैं या फ्लैट अपार्टमेंट जो होता है। रेस्टोरेंट। क्यूपॉन। ब्रेकफास्ट। पिज्जा, इसको पिज्जा नहीं बोलना आज से, हम क्या बोलेंगे, पिज्जा। सिंगर, अब यहाँ पर जी बहुत स्मॉल है, समझ जाओ कि बहुत लाइट साउंड है, सिंगर। थम, बी साइलेंट है। टूम, टोम्ब नहीं बोलना, इट्स टूम। कोम, यहाँ पे भी बी साइलेंट है। सोड, तलवार को क्या बोलते हैं, सोड। क्लोथ, क्लोथ। आर्कटिक, इसको लोग आर्टिक बोल देते हैं, सी खा जाते हैं, तो ध्यान रखने में आर्कटिक। जैसे डेस्कटॉप बोल देते हैं ना कुछ लोग, डेस्कटॉप होते हैं। एंटार्कटिक, एंटार्कटिक। ट्यूशन, इसको ट्यूशन नहीं बोलेंगे आज से, हम क्या बोलेंगे, ट्यूशन। ईडियम, बेरी, दफनाने को क्या बोलते हैं, बेरी ना कि बरी। मॉर्गेज, ये बहुत अच्छा वर्ड है, जैसे हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो कोई गिरवी रखनी पड़ती है ना मैं अपनी बैंक के पास चीज, तो उसको मॉर्गेज बोलते हैं ना कि मॉर्गेज। चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकोलेट नहीं बोलना है, ओ नहीं आएगा बीच वाला, जो ओ है उसकी साउंड साइलेंट है। चॉकलेट। डिजर्ट, जो हम मीठा खाते हैं खाना खाने के बाद उसको बोलते हैं डिजर्ट, यानी कि डिजर्ट में क्या है भाई आज, गुलाब जामुन है। और एक होता है डेजर्ट, जो रेगिस्तान वाला होता है वो डेजर्ट होता है। तो ये थे कुछ वर्ड्स, वर्ड ऑफ द डे है स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब होता है एक मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाता है, और एक और वर्ड है स्कल्पचर। स्कल्पचर अ वर्क ऑफ आर्ट मेड, जो उसने बनाया होता है मूर्ति वगैरह उसको बोलते हैं स्कल्पचर। हेनरी मूरे, हु डाइड इन 1986, इज वन ऑफ द ब्रिटेन्स बेस्ट नॉन स्कल्पचर्स, मतलब वो क्या था, बहुत ही फेमस sculptor tha. So guys, thank you for watching this video. Please like it and subscribe my channel to get the latest updates of the upcoming videos. I hope aapko ye pasand aayi hogi. Please comment in the comment section which word do you like most. Aur jo bhi query hai aap meri comment section mein pooch sakte hai, gmail id pe pooch sakte hai, telegram pe bhi pooch sakte hai. Okay guys, have a nice